नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। कमांडर अशोक रावत जी से आज हम जानेंगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है और क्यों ऐसा करना पड़ा कि रामलीला में अपने हकों को, अपने अधिकारों को मांगने के लिए उनको उतरना पड़ा। जी, आप देख रहे हैं रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में वृद्ध लोग आए हैं, ज्येष्ठ लोग आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो EPS 95 इस योजना के तहत जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसे काटे हैं, सरकार को दिए हैं और अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए दिए, लेकिन हमसे ज़्यादा पैसे काट के आज सिर्फ उनको 1000 से 200 से लेकर 2000 तक की पेंशन मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद ये 1000 रुपये में आदमी कैसे जिएगा, दो आदमी कैसे जिएंगे, दवाई की खर्चा करेंगे या अपना खाना खाएंगे। तो ये मुद्दे के ऊपर सरकार का ध्यान लाने के लिए हमने आज पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग का भी क्या प्रयास है, सरकार तक अपनी बातों को कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि एक तरह का बात कही जाती है कि 60 साल के बाद आदमी को रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए, वो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हुए रामलीला में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत त्रासदी वाली बात है कि आज भारत के ज्येष्ठ नागरिक को, जिनको आराम करना चाहिए, जो हमारे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनको आज रस्ते पे उतर के अपनी मांगे मांगनी पड़ रही है। ये अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय है। और जिस देश में ज्येष्ठों का आदर नहीं होता, उस देश की मूल्य व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी, ये बिल्कुल हमारा मानना है। कहाँ पे लग रहा है कि कहाँ पे कमियाँ हुई हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर हमारी बड़ी नाराज़ी है। उन्होंने 95 से जो चीज़ें अगर ये करते स्कीम में कि हमारी मार्केट से इंडेक्स से पैरिटी करते, या फिर हमारे जो पहले कायदे में लिखा था ROC का कि हमारी रिटर्न ऑफ कैपिटल का उसमें मुद्दा था वो करते, या फिर अगर वो कायदे को सही ढंग से निभाते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने ज्येष्ठ नागरिक को, कामगारों को दोती हुई गाय समझा है और ये दो रहे हैं। और जिनको सामाजिक सुरक्षितता मिलनी चाहिए, आज बच्चे पालते नहीं, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हमने ज्येष्ठ नागरिकों को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया है। माना जाता है कि समाज में जब आप एक अच्छी खासी आयु और काम करने के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते तो आपको ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती है। आइए, और भी कुछ लोग आए हैं, उनसे हम जाना चाहते हैं, आपकी मांग जो है वो कैसे पूरी होगी आपको लग रहा है? नहीं, हमारे पास जो है तीन लोग हमारे आजमाइश करते हैं, एक CBT, एक लेबर मिनिस्टर और एक जो है ना EPFO। ये तीनों लोगों का जो आजमाइश है हमारे ऊपर सालों से बढ़ते आ रहा है, 1972 to 2017 बोलो तो, इसके अंदर जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो कॉन्ट्रीब्यूट केस पैसे के ऊपर पेंशन देने के लिए सरकार को हम सता रहे हैं। और सरकार बोलते हैं हमारे नहीं है, ये ट्रस्टी देख लेगा, ये ट्रस्टी जो है बोलते हैं सरकार के ऊपर, एक के ऊपर बोलते हुए हमारे ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। हम बुढ़े लोग हैं, आउट ऑफ 80 लाख में 25% लोग मर गया है बुढ़े, और 25% पलंग से उठते नहीं है, 50% है वो लोग जिंदा रहना चाहे तो 1000 रुपये मुंह पे फेंक कर, ना मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे लिए कोई देखता है, हमारा नज़र करता है। 9 साल से हम लोग एक धाटी स्ट्राइक कर रहे हैं, हम लोग इतनी तरीके से गवर्नमेंट को मालूम कराया जंतर मंतर में 4-5 टाइम, अब रामलीला मैदान में हमारे राव साहब का उसका समक्ष में इतने लोग आके यहाँ आवाज़ उठा रहे तो सरकार के कान में नहीं जा रहे। इसका मोदी साहब ने अगर इंटरफियर होकर हमारे रोना सुनकर उन्हों कुछ करेंगे नहीं, हमारे पेंशन बढ़ने वाले नहीं है। वो टैक्सी वाले एक बोलता है और EPFO वाले एक बोलता है, लेबर मिनिस्टर का, ये तीनों का एकता नहीं है, इसके वजह से हम लोग गरीब लोग मर जा रहा है, हमारे जिंदगी तबाह हो रहा है, हम ज्यादा दिन नहीं जियेंगे। और वोट देते नहीं देते वो फर्क पड़ता नहीं, कहीं पर वोट हम नहीं दिए तो पैसे देकर वोट लेते हैं राजकारण लोग। सो हमारे कुछ फिक्र किस कुछ नहीं है, हमारा रोना में बहुत से लोग बह गया है। मैं मोदी साहब को मैं इतना विनत करूंगा, आप इस इंटरफियर होकर ये CBT को खत्म करें और EPFO को कंट्रोल में लिए, हमारे फंड्स को कंट्रोल करके हमारे जीवन को कुछ रास्ता बताए, हम लोग जिंदगी भर आपको दोबारा रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्रॉ EPFO इंट्रीम का भी आपने पोस्टर लगा चाहे, आप अपनी बातों को कैसे रखना चाहते हैं, क्योंकि यही तो एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी आप सुने, आप जंतर मंतर जाने वाले हैं, तो क्या करने वाले हैं आप? मैं वीरेंद्र सिंह, चीफ कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय संघर्ष समिति। हमारे जो श्रद्धेय कमांडर साहब हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष में EPS सदस्यों को जोड़ा, एक बहुत बड़ी संगठन बनाई, जो हमारे ऐसे भाई जो कहीं जा नहीं सकते थे उन सबको जोड़ के एक बड़ी संगठन बनाई, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। इस
उसके बाद में राउत साहब ने पूरे भारतवर्ष में जो हमारे भाई उनको जागरूक किया कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार कैसे मिलेंगे। 2 साल से 3 साल से जो है हमारे राउत साहब जो इसमें पूरे संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और सभी प्रांतों में अभी तक क्या था, हम संगठित नहीं थे इसलिए हमें विजय नहीं मिल रही थी, हम संगठित हो चुके हैं। सभी राज्यों में हमारा प्रचार कार्य हो चुका है, सभी राज्य हमसे जुड़ गए हैं, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सभी जगह जो है संगठन का विस्तार हो चुका है। इसके बाद में आज जो हमारे कमांडर साहब संदेश देने वाले हैं वो एक ही संदेश है कि जो पेंशनर्स का काम करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। यहाँ से जाने के बाद में मतलब है ये आंदोलन अब जल्दी ही क्रांति में बदलने वाला है। बिल्कुल, ये सामाजिक क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है, ऐतिहासिक क्रांति है और हमें 100% सफलता मिलेगी। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और सभी संसद सदस्य हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें, उन्हें शीघ्र पूरा कराएं जिससे कि हम लोगों को संघर्ष नहीं पड़े। आने वाला हमारा जो आंदोलन है वो संघर्ष का आंदोलन है। अभी हमने प्रचारात्मक आंदोलन किया, बाद में रचनात्मक आंदोलन किया, अब हम संघर्ष का आंदोलन यहाँ से शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे अब संघर्ष का आंदोलन शुरू होने वाला है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी लंबी भीड़, कितनी लंबी लोग और कितने लोग उतरे हैं मैदान में अपनी मांगों के लिए, अपने ही पैसों के लिए, अपने ही चीज़ों के लिए जो उन्होंने जिंदगी देश को समर्पित कर दी, लेकिन शायद ही अपने जो कहते हैं ना अपने ही कर्मों के फल को नहीं पा पा रहे हैं। अब वो फल पाने के लिए वो मैदान में उतरे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि वो आगे आए और उनकी सुने और मांगे पूरी करें।